हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं आपका दोस्त सुशांत फिर एक बार आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे प्रीति संगम जो कि कराड़ में स्थित है, एक्चुअली नाइट का प्रीति संगम का व्यू आपने देखा है, तो आज अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ डे में मतलब मॉर्निंग के टाइम में प्रीति संगम का व्यू कैसा है। अभी बजे सुबह के 6:30 और लेट्स गो टू प्रीति संगम। जस्ट आपने जो देखा वो इसमरावजी चव्हाण जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे उनकी समाधि थी, और वहाँ मतलब एक अच्छी बात है कि वहाँ शूज़ वगैरह डाल के हम नहीं जा सकते, शूज़ में उतारना पड़ता है और उसके बाद उस समाधि के पास जाना पड़ता है। वो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मुझे ऐसा लगता है। और टोटल अबाउट दिस गार्डन, द गार्डन इज टोटली क्लीन एंड ब्यूटीफुल, या डेफिनेटली यू विल विजिट हियर। तो अगर आप मतलब मॉर्निंग में आना है या इवनिंग में, तो दैट डिपेंड ऑन यू, बिकॉज बोथ टाइम इज़ ब्यूटीफुल। तो बेसिकली अगर आप मतलब शौकीन है वहाँ वॉकिंग के शौकीन वगैरह है, तो मॉर्निंग इज बेस्ट टाइम है। और अगर आपको थोड़ा बिट एंजॉयमेंट करना है, फूड खाना है, तो इवनिंग इज बेस्ट टाइम। सो जस्ट हम गार्डन से बाहर गए और गार्डन में ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर मतलब 95% जो पीपल है वो ओल्डर है, लाइक 65+ ओल्ड, एंड क्वाइट मतलब 5% ही यंग लोग हैं जो वर्कआउट के लिए आए। और अभी हम जा रहे हैं रिवर की तरफ, या बाहर मेरे पीछे भी यंग पीपल जो आर्मी के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्मी के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, जो कि हफ्ते में एक बार आ जाते हैं, मतलब एवरी मंडे यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलो हम जाते हैं प्रीति संगम, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और इसे बीच भी कह सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस। लेट्स गो। Thank you.
प्लेस तो ब्लेस ही बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं दोनों में से मैंने एक्चुअली दो वीडियो बनाए, नाइट का एक बनाया और डे का वीडियो भी बनाया। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो डे का टाइम अच्छा है, मतलब मॉर्निंग टाइम में जो व्यू आपने अभी देखा वो व्यू है। और मैंने पिछला वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें नाइट टाइम मतलब नाइट टाइम पृथ्वी संगम की किस तरह सिचुएशन होती है वो मैंने आपको बताया। तो मेरे ख्याल से तो मॉर्निंग टाइम इज़ बेटर और आई हैव ऑब्जर्व दैट, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादातर ओल्डर क्राउड आता है और इवनिंग में यहाँ पे आपको यंग क्राउड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप अगर मुझे पूछेंगे क्या आना चाहिए ना, तो डेफिनेटली 100% आप आए। अगर आप कराड़ में आए तो डेफिनेटली इस प्लेस को विजिट करें, वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस। सो हैव वंडरफुल डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें।